शुक्रवार को यूपी में आत्मनिर्भर अभियान का लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस अभियान में करीब 125 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिला है। गौरतलब है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूर अपने घरों को वापस लौट आए हैं, जिनको प्रदेश सरकार द्वारा यहीं पर काम दिया जा रहा है। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी KVN पांडेयन, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर सहित प्रवासी मजदूर मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर के लाभार्थी नागेंद्र प्रसाद से भी बात की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, सामाजिक जीवन में कई तरह की कठिनाई आती है। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतना बड़ा संकट आएगा, ऐसे संकट जिसमें चाहकर भी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, इसकी अभी एक ही दवाई है, 2 गज की दूरी। हमारी सरकार ने इस बीच गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है, इसी के तहत यूपी आत्मनिर्भर अभियान चला रहा है। पीएम बोले कि योगी जी ने आपदा को अवसर में बदला है, इससे लोगों को काफ़ी लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि संकट के वक्त जो साहस दिखाता है उसे ही सफलता मिलती है। आज जब दुनिया में कोरोना का संकट है, उसमें यूपी ने साहस दिखाया है, उसकी तारीफ हो रही है। योगी सरकार का शानदार काम आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी पर इसलिए भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि यूपी कई प्रदेशों से बड़ा है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हैं, 18 साल से कम बच्चों को छोड़कर लगभग 30 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। इसमें इससे इन मजदूरों को काम देने में आसानी मिलेगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत प्रदेश में लौटे करीब 125 करोड़ मजदूरों को अलग अलग क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इसके तहत 25 अलग अलग योजनाओं को एक जगह समाहित किया गया है ताकि मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रधानमंत्री से बात करने वाले योजना के लाभार्थी नागेंद्र प्रसाद और जिलाधिकारी KVN पांडेयन ने बताया। और मुझे मोदी योगी के योजना के अंतर्गत मुझे 11 लाख रुपये का लोन हुआ है। आपको आश्चर्य हुआ होगा क्या इतना बड़ा पैसा चला गया और क्या करेंगे? आश्चर्य हुआ और बैंक पैसे रेगुलर रखना, जमा करना, लेना कारोबार में हो गए। बहुत बड़ी बात है और दुनिया में जितने बड़े लोग बने हैं ना, इन लोग छोटे लोग नहीं किया। अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी से लूं कि वे अपने उद्घोषण से हम सबका मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला और जितना लोगों से बात करते हैं हर बार नई नई चीजें जानने को मिलती है। और हम सभी ने अगर हम सोचे कि अपने अपने जीवन के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में ये किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर, पूरी मानव जाति पर एक आम एकी तरह का इतना बड़ा संकट आ गया। एक ऐसा संकट जिसपे चाहकर भी लोग
पूरी तरह मदद नहीं कर पा। इस दौरान शायद भी कोई ऐसा होगा जिसको कोई परेशानी न हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, देश हो, दुनिया हो, गांव हो, शहर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमल हो, गरीब हो, हर हो, हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो सवाल है नींद रखना, भविष्य का इस्तेमाल करना, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से कोरोना को रोक पाएंगे। साथियों, आज जब आप सभी मुझसे बात कर रहे हैं और मैं देख रहा था कि आपके चेहरे पर खुशी है, आपके आंखों के भाव, आपका अपनापन का अनुभव कर रहा है, मंत्रिपरिषद के साथ भी मौजूद है, प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है, अलग अलग जिलों में हजारों की तादाद में लोग भी जुड़े हुए हैं, लाखों पहुंचे हैं। हम सभी ने महसूस किया कि इसी शक्ति का आधार बना गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी, यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव मार्क पर और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दिया। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी है, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई होता है। सर वही चाचा कलर की कराते थे, वही सिखाते थे। तो आप वापस क्या क्या गए? सर लॉकडाउन चल गया तो क्या करें वहाँ पर। अरे अंधेरा तो बहुत बढ़िया है, कंपनियां बंद हो गई थी। अच्छा, मान चिंता करते होंगे, रिश्तेदार चिंता करते होंगे कि भाई तुम्हारी बात तुम मां कहीं मत रहो, घर में आ रहा था वो होगा। आप वादा से माफ कर लो, जो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उससे आप आगे का कर लीजिए, उसमें थोड़ा आपको मदद ज्यादा मिल जाता है। ये भी आप जरूर कीजिए। पशु का आहार की चिंता करनी चाहिए, पशु को बीमार नहीं होने देना। ज्यादातर क्या होता है, पशुधन का जितना महत्व में बढ़ाओगे ना अच्छा होगा, और उसका जो मूत्र है उसके भी अच्छा फर्टिलाइजर बनाने के लिए सकते, उसकी भी सहायता कर सकते। नागेंद्र प्रसाद, ग्राम टिकरिया, कोरपुर चढ़ाव, थाना सजनवा, जिला गोरखपुर। प्रधान जी से मंत्री से बात हुई सर, इससे पहले पूछे कहाँ थे, हमने बोला कि अहमदाबाद थे। क्या बात हुई है? बात ये हुई है सर कि क्या करते थे क्या नहीं करते थे। इससे पहले कहाँ काम करते थे? राजू नगर में स्टील कंपनी का एक फैक्ट्री थी। कितना मिलता था वहाँ? 7-8 हज़ार मिल जाता था सर। यहाँ पे कितना आज लोन दिया गया? 1 लाख। इससे आप पूरा खर्चा चला लेंगे? चल जाएगा सर। पैसों का क्या करेंगे आप? भैंस डेयरी का अपना करेंगे खर्चा पानी, उसको भैंस को भी खिलाएंगे और अपना जो बचत खाता रहेगा उसमें भी डालेंगे। अभी कितने भैंस हैं? अभी इतने समय 2 भैंस हैं। आज प्रधानमंत्री से बात करके आपको क्या लगा? बहुत अच्छा लग रहा था। क्या लग रहा है ये प्रधानमंत्री जो रोजगार दे रहा है, चल जाएगा घर का खर्चा चल जाएगा? जी सर चल जाएगा। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुबह 11 बजे ये महाअभियान के तौर से तो प्रारंभ किए हैं। आत्मनिर्भर भारत के ही ये कंपोनेंट है। उत्तर प्रदेश ने विभिन्न विभाग मिलकर के इसी अभियान के तौर से चलाए
खासतौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से बाहर से आए हुए लोग लाखों संख्या में, करीब तो 34 लाख लोग आए हैं, सभी का स्किल मैपिंग किए हैं, उनका स्किल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज कराया है, उसी के हिसाब से उनका स्किल के हिसाब से नौकरी दी जा रही है। गोरखपुर के दृष्टि में बताता हूँ, गोरखपुर में तकरीबन 1.5 लाख लोग आए हैं, 1.5 लाख लोग का हम लोग स्किल मैपिंग किए हैं, उस पर तो तुरंत हम लोग 1 लाख लोग पर डे के हिसाब से नरेगा में काम तो तुरंत दिलवा दिया ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो जाए। उसके बाद फिर इन लोगों को स्किल मैपिंग के हिसाब से यहाँ जो कितने कार्यदायी संस्था है उन्हीं से टाइप कराते हुए, कोई मेस्त्री के काम करने चाहते हैं, पेंटर, प्लम्बर, फिटर, प्लम्बर, जो भी काम है उसी के हिसाब से हम लोग स्किल मैपिंग करा रहे हैं, और बहुत लोग स्वतः रोजगार कराने भी तैयार थे। 1 जुलाई से हम लोग जो ठेला रेवड़ी चलाने वाले छोटे छोटे उद्योग में जो लगे हुए लोग बाहर से आने वाले लोग, करीब 18,000 लोग हमारा है, उन लोगों का 10,000 रुपया प्रति आदमी का जो हम लोग सब्सिडाइज लोन दिलाने वाले हैं, उससे उन लोग अपने बिजनेस को विस्तार कर सकते हैं। दूसरा जो मुद्रा योजना और जो KCC का योजना और तमाम बैंक के जरिए से स्वतः रोजगार के लिए योजना चलती है, उसका एप्लीकेशन का एक मेला के रूप से हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं, कितने भी लोग तो तैयार हैं। आज भी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर का एक नागेंद्र सिंह से बात की है, वो अहमदाबाद से आए हैं, आने के बाद 1 लाख रुपया लोन लिया है, 2 भैंस खरीदा है, वो पर डे तो 300-400 रुपया कमा रहा है, यानी जो पहले 8,000 रुपया जो वो वहाँ कमा रहे थे अहमदाबाद से, उससे ज़्यादा यहाँ कमा रहे हैं। मतलब उनने ये इसी टाइप का जो आपत को अवसर में कन्वर्ट किया, ये एक अच्छा उदाहरण है जो कितने लोग आए हैं, इसको पीछे मत रहना चाहिए था, वो सरकार भी आपको सहयोग करेगा, बट साथ साथ आप लग करके कराएंगे, ये हम लोग का जो संकट को हम लोग अवसर में बदल सकते हैं।